टीम इंडिया इस समय वर्ल्ड कप 2023 खेल रही है, जहां टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं। इन ब्लू आर्मी ने अपना आखिरी मैच चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। जी हां दोस्तों, इस मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने के बाद टीम इंडिया के लिए अगली चुनौती बांग्लादेश से होने वाली है। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को पुणे के मेगा इवेंट में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया की वर्ल्ड कप टीम में एक बदलाव होने जा रहा है। इस टीम में भुवनेश्वर कुमार को मौका दिया जा सकता है। तो आप भी भुवनेश्वर कुमार को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। भुवनेश्वर को मिल सकता है मौका। इसके साथ आपको बता दें कि विश्व कप 2023 के लिए भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में नहीं चुना गया है, लेकिन उन्हें बैकअप के तौर पर टीम में जोड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि भुवी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच पिछले साल नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इसके बाद से वह टीम से बाहर हैं। यही मुख्य कारण था कि इस गेंदबाज को विश्व कप 2023 के लिए नहीं चुना गया। जब मेगा इवेंट के लिए टीम की घोषणा होने वाली थी, तब सभी भारतीय समर्थक अनुमान लगा रहे थे कि भुवी को एक बार फिर मौका दे सकता है भारतीय समर्थकों ने की मांग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया गया। इस बीच टीम इंडिया की पिचों को समझने के बाद भारतीय समर्थक मांग कर रहे हैं कि मैनेजमेंट भुवनेश्वर कुमार को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल करे। फैंस की मांग है कि शार्दुल ठाकुर की जगह भुवी को बैकअप टीम में शामिल किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि यह संभव नहीं है। किसी खिलाड़ी को बैकअप के रूप में तभी जोड़ा जा सकता है जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो। कैसा था भुवनेश्वर कुमार का वनडे करियर? भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी वनडे मैच एक साल पहले 21 जनवरी 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उस मैच के बाद भुवनेश्वर कुमार को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था। उनके करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 121 वनडे मैचों में 141 विकेट लिए हैं। अगर उनके ओवरऑल इंटरनेशनल करियर की बात करें तो भुवी के क्रिकेट करियर में उन्होंने अब तक देश के लिए कुल 229 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस बीच उन्हें 243 पारियों में 294 सफलताएं मिली हैं। टेस्ट क्रिकेट में भुवनेश्वर के नाम 63 विकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 90 विकेट हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।